नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको दो पॉइंट बताऊंगा। एक, टेल बोन में अगर दर्द है तो क्या करेंगे, और दूसरा, अगर कूल्हे में दर्द है तो क्या करेंगे। कूलर यानी कि आपका हिप जॉइंट जो है, आपके ये दो पॉइंट, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। आप घर में इन पॉइंटों का इस्तेमाल करके किसी को भी दर्द से राहत दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो अपने नजदीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से जरूर मिलिए। इसमें गूगल अंकल आपकी मदद करेंगे, और आप गूगल अंकल से पूछिए न्यूरोथेरेपी सेंटर या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर नियर बाई मी, तो आपके नजदीक में गूगल अंकल एक न्यूरोथेरेपिस्ट का नंबर आपको दे देंगे, और वहां विजिट करिए और अपना इलाज प्रॉपर तरीके से कराइए। इस वीडियो में केवल आपको सिंपल कुछ टेक्निक बताने वाला हूं। अगर आपको कूल्हे में दर्द है, आपका दर्द साइटिका यानी कि कमर से नीचे की तरफ जा रहा है, पैरों में जा रहा है, तो उस समय पर हमें करना क्या है। या आपको टेल बोन में दर्द है, टेल बोन में दर्द है यानी कि आपको झटका लग गया है, बैठे बैठे दर्द रहता है, आपकी सिटिंग है, या आप कहीं गिर गए हैं, तो भी टेल बोन में दर्द हो सकता है। करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दो पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आम समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, घर में परिवार में माता पिता की समस्या हो सकती है, या दादा दादी की समस्या हो सकती है, नाना नानी की समस्या हो सकती है। आप बुजुर्गों से बात करेंगे तो कूल्हे में दर्द जरूर बताएंगे, और एक नीचे टेल बोन जिसके सहारे हम बैठते हैं, यहाँ दर्द बताएंगे। करना क्या है, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन जरूर दबाइए, और लाइक करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इस तरीके की वीडियोस अगर आप डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए देखते हैं करते क्या हैं। देखिए, कूल्हे का दर्द या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। मैं आपको एक कूल्हे के दर्द के बारे में बताता हूँ। पैर को आप इस तरीके से मोड़ लीजिए। अब यहाँ से आप देखेंगे ये कूल्हे की हड्डी है। आपने क्या करना है, इसमें ये जो आप देखिए, मैं इनके पैर पॉइंट को यहाँ दबा रहा हूँ, पैर ऊपर उठ रहा है, यानी कि इसका कनेक्शन पूरा पैर तक जाता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ दबाया और ये पूरा पैर उठ गया, तो यानी कि पूरा कनेक्शन है इस पॉइंट से। आपने क्या करना है, धीरे धीरे, क्योंकि उम्र के हिसाब से आप इसको ध्यान करेंगे, ये कोहनी यहाँ रखिए और धीरे धीरे यहाँ पर प्रेशर दीजिए। आप अब क्या करेंगे, इस पैर को यहीं पर होल्ड करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर दीजिए, कम से कम 6 सेकेंड, और मैक्सिमम आप 15 से 20 सेकेंड तक ये प्रेशर दे सकते हैं। जब आपने ये प्रेशर दिया तो यहाँ पर कुछ देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये नर्व को पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई जाएगा। तो कूल्हे के दर्द में हम, अगर आपको कोहनी से दर्द ज़्यादा तकलीफ है तो आप हथेली से रख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। इसको न्यूरोथेरेपी में हम पेल्विक पॉइंट भी कहते हैं। जिस कूल्हे में दर्द है उस कूल्हे में आप दबा दीजिए, मिनिमम 6 सेकेंड, इस तरीके से कर सकते हैं, 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 कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। 6 सेकंड का प्रेशर देना है, 6 सेकंड मिनिमम देना है, और 15 से 16 या 20 सेकंड का मैक्सिमम देना है। इस बाद यहाँ पर आप रबिंग कर दीजिए, और आप पैर को सीधा कर दीजिए इस तरीके। तो ये कूल्हे के पॉइंट के लिए हैं, कूल्हे के दर्द के लिए हैं, जिसको हम पेल्विक पॉइंट बोलते हैं। अब है टेल बोन के लिए क्या करेंगे। टेल बोन क्या होती है, आपकी स्पाइन है, ये स्पाइन यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है, और लास्ट बोन जो है वो टेल बोन है। जो ये लास्ट बोन है ये टेल बोन होती है, इस टेल बोन पर हमने काम करना है। अब ये अंदर की तरफ है, तो हमने क्या करना है, ऊपर से खींचना है, ऊपर से मांसपेशियों को खींचना है। आप कपड़े को इस तरीके से पकड़ सकते हैं। जेंट्स है तो आप कपड़े हटाकर भी दे सकते हैं, क्योंकि आप मसल्स पे काम कर रहे हैं। फीमेल को दे रहे हैं तो कपड़े को ऊपर से देंगे इस तरीके से। यहाँ से आप मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इस तरीके से, मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इस तरीके से, खींचते रहिए। जब आप मांसपेशियों को 15 से 16 बार इस तरीके से रबिंग करिए, ऊपर की तरफ खींचिए पूरा कपड़ा पकड़ के, फीमेल को दे रहे हैं तो 15 से 16 बार इस तरीके से करेंगे, ये 15 से 16 बार जब ये हो जाए तो यहाँ से अब आप खींचिए और दोनों हाथों को रखकर यहाँ से रबिंग कर दीजिए, नीचे की तरफ फिसल जाइए। दोबारा से देखेंगे, मैंने यहाँ से रखा और यहाँ से हमने नीचे करा, मैंने ये यहाँ से खींचा ऊपर और यहाँ से नीचे की तरफ फिसल गए। तो इस तरीके से भी इसका लॉजिक समझिए, ये टेल बोन है आपकी, मान लीजिए ये अंदर चली गई है, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ मांसपेशी को ऊपर खींचिए तो ये अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना। जब आप देखेंगे तो मैंने मांसपेशी को ऐसे खींचूंगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगी। इसी में जो कायरोप्रैक्टर्स होते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि टेल बोन जब एनस के अंदर आप अंगूठा डालिए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दीजिए,
अंगूठे एनस के पास में थोड़ा सा आप पार्ट को लेकर जाइए अंगूठे को, और वहाँ से टेलबोन को उठा दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, कोई नया व्यक्ति इसको ना करे ऐसी मेरी सलाह है। और इसमें बहुत सावधानी चाहिए क्योंकि टेलबोन अगर एक बार टूट गई तो दुनिया का कोई डॉक्टर इसको जोड़ नहीं सकता। हम केवल इसकी शेप को बदल सकते हैं यानी कि ऊपर ला सकते हैं। तो शेपली जो पॉइंट है न्यूरोथेरेपी का, इसको टेलबोन प्रेस कहते हैं। यहाँ से हमने ऊपर खींचा, 15-16 बार ऊपर की तरफ रब करिए, और यहाँ से इसको 15-16 बार करने के बाद 3 बार इस तरीके से मांसपेशियों को नीचे की तरफ खींच दीजिए। ये है हमारा टेलबोन। तो इस तरीके से हम टेलबोन के पेन को निकाल सकते हैं, उसकी शेप को दोबारा से रीशेप में ला सकते हैं।